वेलकम टू टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे सुष्मिता सेन की रीएंट्री के बारे में। जी हां, सुष्मिता सेन आर्या नाम की वेब सीरीज के साथ रीएंट्री करने वाली हैं। इसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है जो लोगों को काफी पसंद आया। ये सीरीज हॉटस्टार पर रिलीज होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीरीज की पहली पसंद काजोल थी? दरअसल राम माधवानी ने कुछ साल पहले ये कहानी सोची थी और काजोल को अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया था। काजोल ने हामी भी भरी थी। इसके बाद फिल्म पे काम की शुरुआत की गई, लेकिन काजोल कुछ निजी कारण बताकर फिल्म को छोड़ गईं। तब तक फिल्म का काम काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन इसे बंद करना पड़ा। इसके सालों बाद अब इस वेब सीरीज को सुष्मिता सेन करने वाली हैं। काजोल ने एक नहीं बल्कि कई मूवीज को रिजेक्ट किया है, इनमें से कुछ मूवी ब्लॉकबस्टर भी रही। आइए जानते हैं इन मूवीज के बारे में। पहली मूवी का अगर नाम ले तो वो है शक्ति द पावर। ये ऐसी फिल्म है जिसे रिजेक्ट कर काजोल को सबसे कम नुकसान हुआ। हालांकि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बेहतरीन माना था। फिर बात करते हैं दिल तो पागल है, जिसे भी काजोल ने रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है खामोशी द म्यूजिकल। संजय लीला भंसाली की यह सुपरहिट ब्लॉकबस्टर की पहली पसंद काजोल थी, लेकिन काजोल ने इस फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया। आगे बात करते हैं दिल से की। मनीषा कोइराला को भी काजोल ने यह दूसरी फिल्म दे दी। दिल से में वो निगेटिव किरदार नहीं निभाना चाहती थी। ऐसी कई ऐसी मूवीज हैं जिन्हें काजोल ने रिजेक्ट कर दिया है। खैर जो भी हो, हम सुष्मिता सेन को वापस से देखने के लिए बहुत बेताब हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें। थैंक यू सो मच।